आज हम क्रिसमस ट्री एक्टिविटी बनाने जा रहे हैं। इसे बनाने के लिए हम जी हमें जिस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वह इस प्रकार है। फर्स्ट लाइट ग्रीन शीट, सेकंड डार्क ग्रीन शीट, डबल साइडेड टेप, स्केल, सीजर, पेंसिल एंड ट्री डेकोरेशन आइटम। फर्स्ट स्टेप डार्क ग्रीन कलर की शीट लेंगे, उस पर हम इक्वल साइज शीट कट कर लेंगे। ये 7x7 इंच का होगा, 7x7 इंच की शीट काटेंगे डार्क ग्रीन कलर की। उसको हम कोन के हेल्प से कोन की शेप में बनाएंगे इस तरह से। इसको हम पेस्ट कर देंगे। इस तरह से हम इसको पेस्ट कर देंगे। इसको हम अच्छे से पेस्ट करेंगे ताकि ये साइड्स ओपन ना हो। हेल्प के लिए हम इसको स्टेपलर से स्टेपल कर देंगे इस तरह से। इसको फिर हम साइड से ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम कटिंग करेंगे इस तरह से। इसको कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा शीट हम कट कर देंगे। इसको अच्छे से प्रेस करके पेस्ट करेंगे। नीचे से हमने इसको कट कर दिया है, ये हमारा कोन बन जाएगा। अब हम एक डार्क ग्रीन कलर शीट की स्ट्रिप कट करेंगे इस तरह से। इसका साइज हमारा 2.5 इंच का होगा। लंबाई हमारी 11 इंच की होगी। ये हमारा 2.5 इंच और ये हमारा 11 इंच। अब इसको हम कटिंग करेंगे। इस तरह से क्लोज क्लोज हमें कटिंग करनी है। इसको हम कटिंग करेंगे, कटिंग करते रहेंगे। पास पास हमें कटिंग करनी है। इस तरह से हम इसको कटिंग करते रहेंगे, पास पास कटिंग करेंगे। ठीक क्लास, इसको कटिंग करेंगे। इसको कटिंग करने के बाद में
शीट को कटिंग करेंगे, कंप्लीट कट दे देंगे। कंप्लीट कट देने के बाद में इसको हम बीच में से कट कर देंगे। इसको हम इस पर इस तरह से पेस्ट करेंगे। आप फेविकोल के यूज़ से भी पेस्ट कर सकते हो और डबल साइडेड टेप के यूज़ से भी पेस्ट कर सकते हैं। तो इसको हम फेविकोल लगाएंगे। और इसको हम पेस्ट कर देंगे इस तरह से। इस तरह से हम ग्रीन शीट को कट करेंगे। ग्रीन शीट की भी यही स्ट्रिप लेंगे सेम साइज की, उसको भी हम ऐसे ही कटिंग करेंगे। अब इसको हम इस पर टू शेड में इस तरह से पेस्ट करेंगे, फेविकोल लगाएंगे। और इसको हम इस पर अच्छे से पेस्ट करेंगे। इस तरह से हम इसको पेस्ट कर देंगे, प्रेस कर कर प्रेस करेंगे अच्छे से। इसको हम अच्छे से प्रेस कर देंगे। फिर सेकंड शीट भी हम रिपीट वर्क करेंगे इसके ऊपर, इस तरह से रिपीट करते जाएंगे। और ये हमारा इस तरह से रिपीट होता जाएगा। फिर हम इस पे कलरफुल शीट लेंगे। कलरफुल शीट से हम सर्कल ड्रॉ करके सर्कल कट करेंगे। इस तरह से हम सर्कल कट करेंगे। सर्कल कट करने के बाद इसको हम ट्री के ऊपर इस तरह से फेविकोल लगाकर पेस्ट करेंगे। जगह जगह हम फेविकोल लगाएंगे और ये सर्कल पेस्ट करेंगे इस तरह से। इसको हम इस तरह से ऊपर की तरफ बेंड करेंगे स्ट्रिप्स को। इस पर ये सर्कल पेस्ट करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आप सर्कल पेस्ट कर सकते हो इस तरह से। फिर हम डेकोरेशन आइटम लेंगे, स्टार इस पर पेस्ट करेंगे। डेकोरेशन आप किसी भी हिसाब से कर सकते हो, आप अपनी चॉइस से डेकोरेशन कर सकते हो ट्री की। डेकोरेशन करने के बाद हम एक ब्राउन शीट लेंगे। ब्राउन शीट को हम इस तरह से कट कर लेंगे। उसका हम एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल को हम स्टेपल कर देंगे। ऐसे हम इसको स्टेपल कर देंगे।
स्टेपल करने के बाद में इसको हम इस तरह से पेड़ के नीचे स्टेपल कर देंगे। स्टेपल करने के बाद वो किस इस तरह से आएगा, इसको हम डेकोरेट भी करेंगे। ये हमारा क्रिसमस ट्री हो जाएगा रेडी। ओके, थैंक यू।